इंजेक्शन टाइप जहर निकलता है, ये जहर के दांत हैं इसके, और इसकी आंखें आप देख सकते हो पास में, इसकी आंखों पे देखिए। इस कारण सांप अच्छे से देख नहीं पाता है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम फटा यहाँ पे दाबड़ फाटे पे नरेंद्र पाटीदार का खला है, और ये कुएं के पास ईटे रखी थी। यहाँ पे एक स्पिटिकल कोबरा है, ये ईटे हटा रहे थे और यहाँ पे निकला। अभी हम इसको रेस्क्यू करते हैं और फिर इसको फॉरेस्ट में रिलीज कर देंगे। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। वो थैली खोल देना। काचली उतारने की तैयारी में रहता है तब इसे कम दिखाई देता है। ये सांप काचली उतारने की तैयारी में है, बिल्ली आई रही, काफी बिग साइज का देख सकते हैं आप। ये स्पिटिकल कोबरा है, खोलो हो कि आग में ही हुई जाती है फिर। हाँ, अभी इसकी काचली उतरने की है, जब ये सांप थोड़े से बड़े होते हैं तब ये काचली उतरते हैं। नहीं मारे तो हाथ जो काट पड़ जाते, वो ये भीड़ उठाती कि बस वो काज में हाथ जाते हैं, हाँ हाँ मतलब छोड़ दी। और ये काफी जहरीला सांप होता है, इसमें न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर होता है, और इस प्रकार का सांप यदि किसी को काटे तो किसी प्रकार के झाड़ फूंक वगैरह न करवाएं,
और सीधे हॉस्पिटल जाए क्योंकि इसका जो सही इलाज है वो केवल सरकारी है। हॉस्पिटल में ही आपका सही उपचार होगा। ये बिल्ली का बच्चा भी आ गया है इसके पास। वो होगा साथ में खेली रुकन देर को हां तो हां अभी हां हम उनको पकड़ी पकड़ी ऐसे लाना हम उनको ये जरा मारते हैं भाई को। हेलो फ्रेंड्स, ये एक स्पिरिकल कोबरा है जो कि हमने दाबड़ फाटे से एक पाटीदार जी के यहाँ से रेस्क्यू किया था उनका बाड़े में से, और अब हम इसको फॉरेस्ट में रिलीज करने आए हैं। तो देखिए तो ये जिंदा है, तो देखिए ये स्पिरिकल कोबरा है और इसे अभी हम फॉरेस्ट में रिलीज करने आए हैं, लेकिन इसके शरीर पे से आंखों पे काचली आ गई है, इस कारण वो सही तरीके से देख नहीं पाता है। और जब सांप देख नहीं पाता है तो वो अपनी जबान से पूरा खतरा भागता है। तो अब हम इसकी थोड़ी सी कैचली इसके आंखों पे से निकाल देंगे ताकि इसको सर्वाइवल करने में थोड़ा आगे। हाँ आवाज आ रही है। मतलब इसकी आंखों पे से थोड़ी सी हम कैचली वगैरह निकाल देंगे ताकि इसको आगे कोई दिक्कत ना आए। तो अभी हम इसको कैचली निकाल देते हैं। तो देखिए ये इसके जहर के दांत होते हैं, ये इसके जहर के दांत होते हैं, अंदर की साइड होते हैं, लेकिन इनसे इनमें से ही बाहर आते हैं और इसमें इंजेक्शन टाइप जहर निकलता है। ये जहर के दांत हैं इसके, और इसकी आंखें आप देख सकते हो पास में जो इसकी आंखों पे देखिए काचली जो भूरी भूरी सी हो गई है दोनों आंखें। तो इसकी जो केचली है वो निकलने की कगार पे आ गई है, इसलिए अब हम इसे इसकी केचली को निकालने की तो ये देखिए इसकी केचली निकल रही है। इसको देखने में दिक्कत ना आए इसलिए हम इसकी केचली थोड़ी सी निकाल देते हैं। इससे इसको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है जब केचली निकलती है। तो इसकी आंखों पे से निकल जाए बस इतना ही, बाकी तो वो खुद निकाल लेगा कहीं पे भी पेड़ वगैरह से रगड़ खा के। इसकी आंखों पे से केवल हम केचली निकाल रहे हैं। तो फिर वो निकाल आंखों पे से निकाल देंगे तो अच्छे से वो जाए। वो बोले ना इस जंगल में छोड़ेंगे
देखेगा भोलेनाथ जी को। वैसे भी पूरी तरीके से निकल नहीं रही है, छूट नहीं रही है। अभी उसकी जो पुरानी कैचली अंदर की जब आने लगेगी, आने तो लग गई है लेकिन पूरे तरीके से निकल नहीं रही है। समय थोड़ा लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। कुछ जगह से निकल रही है, नई चमड़ी आ रही है। ये अभी वो आई नहीं है, रहने दो। दर्द हो रहा होगा, लगी हुई है, घाव है उसको? नहीं, घाव वगैरह नहीं है, कैचली है इसकी। कैचली है। और मेरे तो यहाँ खड़े खड़े डर रहा है यार पर भाई। तो ठीक है, अभी इसे हम फॉरेस्ट में छोड़ देते हैं। वो वाले में छोड़ो ना, वो वाले में, वो वाले में, वो वहाँ सामने वाले में। देखिए ये काफी क्रोधित हो गया है। आप देख सकते हैं इस स्पिकटिकल कोबरा को। तो इसे अब हम जाने दें फॉरेस्ट में। जी, ओहो, काफी आक्रमण, देसी है एकदम, असली नाग है, उत्तेजित हो रहा है ये असली है। बड़ा भाई आज तो मेरे को डरा देता है यार, बड़े भाई। आप ये ले जा रहे हैं इसको रिलीफ करने जंगल की ओर। तो अभी से हम जाने देते हैं। जय नीलेश भाई, थैंक यू।